ब्रेन और स्पाइन के बीमारियों का मैं सर्जरी से इलाज करता हूँ, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, स्पाइन ट्यूमर, स्पाइन डिजीज। आज का जो पैनल डिस्कशन है उसको प्रीवियस डिस्कशन और ये दोनों को एक बार मिला दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यू इंडिया है एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जनरल जस्टिस पे डिस्कशन करना, इट्स लाइक भगवान है या नहीं है, वेजिटेरियनिज्म अच्छा है या नॉन वेजिटेरियनिज्म अच्छा है, इस तरह की बात है। ये साथ ही इन सारी डिस्कशन पे इतना सारा समय बह चुका है, इतने सदियों से चल रहा है, गंगा जमुना में इतना पानी अभी तक बह चुका है कि हमारे जैसे कई सारे लोग हजारों लाखों सालों में कितना समय इस पर गवा चुके होंगे। Let us talk something better today. Hello. Mixing this with New India ahead, what I will suggest कि देखिए ये जो gender है it's like our identity. दो ही gender हैं इस दुनिया में, चलो तीसरे वाले को भी थोड़ा consider कर लेते हैं। Hopefully no one is here now. तो अब इसमें हमें आगे जो करना है वह यह जिससे New India चलेगा कि हमें अपनी identities को we have to take it in our stride. हमें उसे अपने साथ लेकिन उससे हम बदल नहीं सकते हैं, उसके जो भी एडवांटेजेस हैं उसका हमें यूज करना है और डिसएडवांटेजेस को कंट्रोल में रखना है। ये हमेशा से रहा है, चाहे आप किसी भी जमाने में ले लीजिए और पूरी दुनिया में है, चाहे वो अमेरिका हो या हमारे देश का कोई गांव हो, ऑलवेज देयर इज सम डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज रिलेटेड टू एनी आइडेंटिटी। इफ एनी लेडी एनी गर्ल कम्स टू माई ऑफिस आस्किंग फॉर ए जॉब, I have both the things in my mind, what she can do better than my male employee and what are the problems with her. Yes, she has to go back home only, yes, she may ask for leave if she has other issues at home. At the same time, she can tackle the crowd better than any other male person. So I think we have to take both the sides of the coin, both the sides of the identity issue, and we have to move ahead. That is how New India will come up in a better way. आज हमारे देश में लगभग सारे शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, यह हमारे लिए हमारे देश के लिए एक अचीवमेंट है। We are at par with any developed country in the world who have been able to develop their own vaccine, and our scientists, our doctors need lot of encouragement. I hope and wish today's this meeting, this panel discussion will add to their achievements. Thank you. Wonderful. I'm so glad we're talking about the new India. At the same time, we've all become completely positive and just accepting the way it is and trying to be successful in every endeavor and looking at the positive in every aspect. Thank you very much, dear Sandra. Lovely to have you here with us. Hello, ma'am. Hi, I'm Sara Malhotra, and mera ek chota sa kaam hai logon ki zindagi ko aasan banana aur muskurahat lana, energies ko balance karke. तो जब हम एनर्जीज को बैलेंस करने की बात करते हैं, जैसे कि विनोद जी ने कहा शिव और शक्ति साथ रहते हैं, यिन और यांग साथ रहते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन साथ रहते हैं, तो हम इन इक्वालिटी कैसे कर सकते हैं? हम इक्वालिटी और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कई चीज़ों में लड़कियां मैनेज अच्छा कर सकती हैं और कई चीज़ों में जेंट्स वही काम अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से दोनों का ही बैलेंस हम सबके अंदर ज़रूरी है और हम सबके अंदर मस्कुलिन फेमिनिन दोनों होता है। जब हमारे अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन का बैलेंस है तो आउटसाइड वर्ल्ड में भी वो बैलेंस, वो इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी छोटे से थॉट के साथ मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करूँगी, न्यू ईयर की बधाई दूंगी और थैंक यू करूँगी नीतू सिंगल जी का जो इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तारा जी। यस मैम। थैंक यू सुमन जी। आई एम महक ठाकुर एंड आई थैंक नीतू जी एंड संजय जी फॉर वेलकमिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो अभिषेक बच्चन जी टू कनेक्टिंग मी विद नीतू जी एंड संजय जी, विदाउट हिम इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो आई एम महक रिप्रेजेंटिंग माई कंपनी यूनाइटेड कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। We work for the promotion, finance and development of SMEs. I think we all are SMEs over here. We are the bridge between government and SMEs. We connect SMEs to government applications.